बात चाहे सबकॉन्शियस माइंड पे आपके कंट्रोल की हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये तभी मुमकिन है जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी सोच और फीलिंग से ही आपकी रियलिटी क्रिएट होती है। नेगेटिव सोच आखिर है क्या? नेगेटिव सोच आपके दिमाग की एक आदत है और आप अपनी इस आदत को बदल सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही खास स्टेप्स जो आपकी इस आदत को बदलने में आपकी सहायता करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आज की वीडियो का टारगेट है 1300 लाइक्स। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। आपके बॉडी लैंग्वेज से आपकी सोच पे फर्क पड़ता है। एक पल के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करें। देखें खुद को, जब आप खड़े हो या बैठे हो, क्या आपके कंधे अक्सर झुके हुए रहते हैं? तो सीधे बैठना शुरू करें। आपकी गलत बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करती है, और जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा तब नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। कोशिश करें जितना ज़्यादा आप मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराइए। स्टेप टू, जो भी आपके दिमाग में है उसे एक बार बाहर निकाल दें। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब आपके दिमाग में कोई फीलिंग, इमोशन या कोई प्रॉब्लम दबी हुई रह जाती है। इन चीज़ों को खुद तक मत रखें, इन्हें बाहर निकालें, किसी से बात करें। और अगर आप किसी को बता नहीं सकते तो अपने दिमाग को खुद बोले, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। इस बात को बार बार बोले। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है उसे ये बात समझाएं कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। अक्सर नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब कोई काम आपके अनुसार नहीं चलता, और उसे ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कोई भी काम जो आप करते हैं उसका एक कारण होता है कि आप क्यों कोई भी काम करते हैं। अपने उस क्यों को ढूंढें, और जब भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगे उस क्यों को याद करें कि क्यों आपको कोई काम करना है। स्टेप नंबर थ्री, हर दिन एक मिनट के लिए अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। हर दिन हमारे दिमाग में 70,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। अपने दिन का एक मिनट कम से कम ऐसा निकालें जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो। आंखें बंद करें, एक रोशनी को महसूस करें और अपना पूरा ध्यान वहीं लगाएं। आप अपने फ़ोन को तो रिबूट करते ही होंगे, वैसे ही ये एक मिनट आपके दिमाग को रिबूट करने में आपकी सहायता करेगा। स्टेप नंबर फोर, अपने सोचने के तरीके को बदलें। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आपके गलत नज़रिए की वजह से आते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को, जो आपके आसपास हो रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करें और अपने सोचने के तरीके को बदलें। जैसे मैं मुश्किल में हूँ और मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उसकी जगह आप ये सोच सकते हैं कि मैं कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ और मैं उसके सॉल्यूशन को ज़रूर ढूंढ लूँगा। दोनों बातों का मतलब एक ही है, पर आपके वर्ड्स और आपके सोचने का तरीका बदल गया है। तो ऐसे ही आप अपने सोचने का ढंग बदलें। स्टेप नंबर फाइव, बी क्रिएटिव। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, तो आप तुरंत उस काम को करने लग जाओ जिस काम में आपको सबसे ज़्यादा मन लगता हो, या फिर उस काम के बारे में सोचने लग जाओ, उस काम में डूब जाओ। जैसे कुछ लोगों को गाने सुनना पसंद हो सकता है, कुछ को पेंटिंग करना, अपने आप को बिजी करो। स्टेप नंबर सिक्स, अपने आप से कहना शुरू करें। अपने दिमाग में उन बातों को लाए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अपनी उन सारी अच्छी चीज़ों को याद करें जो आपके लाइफ में हुई हैं। हंसे, मुस्कुराएं और उन चीज़ों को सोचें जो आप चाहते हैं, उनको नहीं जो आप नहीं चाहते, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी को बनाता है। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अपने दिमाग में एक बात बिठा ले कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं कर नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई तो अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें थोड़ा हटके को, क्योंकि सारी हटके जानकारियाँ और ढेर सारे साइंटिफिक फैक्ट्स आपको यहीं मिलेंगे।